हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ अनलिमिटेड विद मी शेफ शिप्रा खन्ना, जहां पर मैं आपके लिए बना रही हूं बहुत ही हेल्दी रेसिपीज जो डिलिशियस भी हैं। और हम जब बात करते हैं रेसिपीज की, तो रेसिपीज सिर्फ खाने के लिए नहीं, लेकिन सैलड, सूप्स, डिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बिकॉज अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो फ्रिज है उसमें वही चीज़ें हों जो आपको पसंद हैं, या जो हेल्दी हैं, या जिस डाइट को आप फॉलो करना चाहते हैं। और लाइक आई सेड, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द किचन। किचन में ही आपकी पूरी डाइट बन जाती है। एंड इफ़ यू वांट टू लूज वेट और इफ़ यू वांट टू फील हेल्दी, व्हिच आई रियली थिंक कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं, इट्स जस्ट नॉट योर फिजिकल हेल्थ बट योर मेंटल वेलबींग ऑल्सो। तो आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं हेल्दी खाना खाने से। तो रेसिपी जो मैं बनाने जा रही हूँ वो बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है, सालसा। इट्स अ वेरी पॉपुलर रेसिपी और बहुत लोग, बहुत रेस्टोरेंट्स में भी मिलती है और आप घर पे भी आसानी से बना सकते हैं, जो अब हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए 3 टमाटर, इसको हम एकदम फाइनली चॉप कर देंगे। जितने टमाटर जूसी होंगे सालसा उतना ही अच्छा बनेगा। एंड ऑफ कोर्स आप सालसा में अपने फ्लेवर्स भी डाल सकते हैं, अपना टच भी दे सकते हैं। यू कैन कीप ट्राइंग एंड मेकिंग समथिंग रियली द वे यू वांट। और ये बहुत अच्छा, आप अगर ब्रेकफास्ट में टमेटोज एंड टोस्ट खाना चाहते हैं तो यू कैन ट्राई दिस, हैविंग इट विद सालसा, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, टोस्टेड ब्रेड, इट्स गुड फॉर ब्रेकफास्ट एज वेल। और अगर आप चाहें तो यू नो कैनपीज बना सकते हैं सालसा के साथ, आप इसके अंदर और भी चीज़ें डाल सकते हैं, एज ए डिप इस्तेमाल कर सकते हैं। टोमेटोज आर लोडेड विद एंटी ऑक्सीडेंट्स। सो अब एक बोल के अंदर हम डालेंगे चॉप टमेटोज, रफली चॉप चाहिए, इट्स ओके, आप हाथ से भी इसको क्रश कर सकते हैं, आई लव डूइंग दैट। अब मैं इसके अंदर डालूंगी बेजल, मुझे एक बार बहुत अच्छी मिल गई, आई जस्ट फ्रोज इट, और फ्रीज होने के बाद ये एकदम क्रम्पल हो जाती है, यू कैन जस्ट ऐड इट, हाथ से तोड़ के डाल सकते हैं आप, इट गिव्स अ नाइस फ्लेवर। और बेजल हमेशा नहीं मिलती, सो इट्स ऑलवेज गुड टू फ्रीज इट। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, अ लिटिल बिट ऑफ पेपर। मुझे अपने सालसा में गार्लिक बहुत ज़्यादा पसंद है, सो आई एम गोइंग टू ऐड लोड्स एंड लोड्स ऑफ गार्लिक, एटलीस्ट 5-6 क्लॉव्स, एकदम फाइनली चॉप्ड या क्रश्ड होना चाहिए, या क्रश करने के बाद भी आप इसको चॉप कर सकते हैं। वी नीड इट मिंस्ड। अब हम इसके अंदर डालेंगे पार्सले, फाइनली चॉप्ड, सिर्फ इसके हेड्स चाहिए हमको। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये चिली पेस्ट, जो मैंने फ्रेश रेड चिलीज को सोक करके बनाया है। एंड नाउ आई एम एडिंग एप्पल साइडर विनेगर, आप नींबू भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो टमाटर हैं, हमको एकदम इसको पीस जैसे देना है, टेक्सचर रहेगा लेकिन उसका जितना जूस है वो बाहर आ जाएगा, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूंगी ऑलिव ऑयल, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, सैलड्स में ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेकर आए हैं तो कुकिंग में उसको इस्तेमाल ना कीजिए, इट्स मेंट फॉर सैलड्स।
और पिज़्ज़ास, और ये है फाइनली चॉप्ड एलोपिनो. दिस इज़ हाउ एन एलोपिनो लुक्स. ये आपको बॉटल्ड मिल जाता है बाज़ार में, और आप इसको घर पे भी पिकल कर सकते हैं. अब मैं इसके अंदर डालूंगी फाइनली चॉप्ड अनियंस. थोड़ी सी पैप्रिका, तो चलिए अब इसे प्लेट कर लेते हैं नाचोस के साथ. नाचोस भी आप आसानी से घर पे बना सकते हैं. और हम इसको सर्व कर देंगे हैप्पीली.